हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नई स्टोरी लेकर के आया हूँ। उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आएगी। एक बार एक टीचर, मैथ्स के टीचर, 7 साल के बच्चे मोहित को मैथ सिखा रही थी। उस टीचर ने बच्चे से पूछा, अगर मैं आपको एक एप्पल दूँ, एक और एप्पल दूँ और एक और एप्पल दूँ, तो आपके पास अब कितने एप्पल्स हैं? मोहित ने कहा, मेरे पास मैम 4 एप्पल हैं। मैम शॉक हो गई, उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो सोच रही थी कि मोहित बहुत आसानी से जवाब दे देगा, लेकिन फिर भी उन्होंने एक बार और सवाल पूछा। उनको लगा कि मोहित ने सही से सवाल सुना नहीं। उन्होंने एक बार और पूछा, मोहित सवाल को ध्यान से सुनो, मैंने आपको एक एप्पल दिया, एक और एप्पल दिया, एक और एप्पल दिया, अब आपके पास कितने एप्पल्स हैं? मोहित ने मैम के चेहरे पे स्ट्रेस देख लिया था। उनको पता था कि मैम खुश नहीं है ये जवाब सुन के। अब वो ये कोशिश करने लग गया कि क्या सही जवाब दे ताकि मैम खुश हो जाए। मोहित ने अपने उंगली पर काउंट किया और फिर से कहा, मैम 4 एप्पल। मैम को समझ में नहीं आ रहा था कि मोहित ऐसे जवाब क्यों दे रहा है। फिर उनको लगा कि हो सकता है कि मोहित को एप्पल पसंद ना हो, इसलिए वो फोकस नहीं कर पा रहा है। कुछ ऐसा पूछती हूँ जिस जो मोहित को पसंद है। तो उन्होंने फिर एक बार पूछा, खुश होकर पूछा कि मोहित एक सवाल का जवाब और दो, मैंने आपको एक आम दिया, एक और आम दिया और एक और आम दिया, तो अब आपके पास कितने आम है? मोहित ने डरते हुए सहमते हुए बोला, मैम 3 आम। अब मैम खुश हो गई, उन्होंने कहा जो मैंने सोचा था वो सही हो गया, मोहित ने सही जवाब दिया। लेकिन मैं एक बार और पूछती हूँ एप्पल के बारे में। उन्होंने एक बार और पूछा मोहित से, मोहित आप दोबारा से मुझे जवाब दो, मैंने आपको एक एप्पल दिया, एक और एप्पल दिया, एक और एप्पल दिया, अब आपके पास कितने एप्पल्स हैं? मोहित ने फिर काउंट किया, फिर बोला, मैम 4 एप्पल है। अब मैम को गुस्सा आ गया। मैम ने बोला, कैसे कैसे मोहित, कैसे आपके पास 4 है? मैंने आपको 1, 2, 3 एप्पल दिए हैं, तो आपका 4 कैसे है? तो मोहित ने बोला, मैम मेरे बैग में एक एप्पल पहले से ही। इसे कहते हैं पावर ऑफ वर्ड्स। मैम ने उससे पूछा था कि आपके पास कितने एप्पल्स हैं, तो मोहित ने उसका जवाब सही दिया था, बिल्कुल मोहित के पास 4 एप्पल्स थे। तो इसे हमें क्या समझ में आता है? अगर हम किसी से कोई क्वेश्चन पूछते हैं और उसका आंसर हमारे अकॉर्डिंग नहीं होता, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत है। हो सकता है उसका कोई और एंगल हो जवाब देने का, जिसके बारे में हमने अभी तक सोचा नहीं है, राइट? तो हमेशा दूसरे के नजरिए से भी हम लोगों को देखना चाहिए, और हमेशा ऐसा नहीं होता कि किसी ने अगर हमें जवाब दिया है तो वो गलत है। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई तो स्टोरी को लाइक कीजिए और कमेंट में लिख के बताइए कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, स्टे मोटिवेटेड। बाय बाय।